तो हाय, वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज कंपनी फाइनल अकाउंट्स इलस्ट्रेशन विद सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 पहले क्वेश्चन, और इस बार डायरेक्टली आंसर ना देखते हुए हम देखेंगे वर्किंग नोट्स, उसके बाद हम आंसर्स देखेंगे। क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन फिर पूरा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब देखते भी नहीं थे, डायरेक्टली हम नीचे वर्किंग नोट्स में जाते। तो इस बार हम थोड़ा उल्टा मेथड करेंगे, हम पहले वर्किंग नोट अच्छे से देख लेंगे, फिर आंसर्स हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो बैलेंस शीट है, कैसे बने हैं और किस तरीके से हमें सॉल्यूशन मिला है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ हरिया केमिकल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। हरिया केमिकल लिमिटेड ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2011, पर्टिकुलर्स रुपीज। सो वी हैव इन्वेंट्रीज, फर्नीचर, डिस्काउंट, लोन टू डायरेक्टर्स, एडवर्टाइजमेंट्स, बैड डेट्स, कमीशंस, परचेजेस, प्लांट एंड मशीनरी, देन इक्विटी शेयर्स, कैपिटल, 11% डिबेंचर्स, बैंक लोन्स, ट्रेड पेबल्स, सेल्स, रेंट रिसीव्ड, ट्रांसफर फीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन अगेन वी हैव सम रेंटल्स, करंट अकाउंट, कैश, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्स्चर्स, वेजेस, कंज्यूमेबल्स, फ्री होल्ड लैंड, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, गुड्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, डीलर्स एड्स, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट, डिबेंचर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन प्रोविजन्स एंड मशीनरी, फॉर मशीनरी एक्चुअली। देन वी हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31/3/2011, ₹8,23,000. लेट्स सी द वर्किंग नोट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल के बारे में हमें बताया, तो सबसे पहला वर्किंग कैपिटल वही है, वर्किंग नोट बेसिकली वही है। तो हम देखेंगे ऑथोराइज्ड लिया है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, 25 लाख ऑलरेडी इज देयर, इशूड और सब्सक्राइब्ड यानी फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, अगेन सेम अमाउंट। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, बैलेंस एज पर लास्ट बैलेंस शीट, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो दोनों को जब क्लब करेंगे, आप दोनों को ऐड करेंगे तो रिजर्व्स एंड सरप्लस मिलेगा। देखिए ये जो कंपनीज फाइनल अकाउंट है, ये पूरा का पूरा जो खेल है, पूरा का पूरा जो मेथड है, वो सिर्फ प्रोफॉर्मा का है। प्रोफॉर्मा के अंदर आपने कंटेंट अच्छे से याद रख लिए, प्रोफॉर्मा आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसको 10 बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको कंपनी फाइनल अकाउंट आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए शायद इसमें कुछ सिखाने जैसा ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू विथ वेरियस लेवल्स। आपको ट्रेडिंग अकाउंट पता है, फाइनल अकाउंट्स पता है, आपको बैलेंस शीट क्या है वो पता है, कौन सी एंट्री कहाँ पर जाएगी वो भी पता है, राइट। तो आपको सिर्फ देखना है शेयर कैपिटल में क्या क्या कंटेंट आता है, क्या वो कंटेंट इस क्वेश्चन में है, अगर है तो मुझे वो लेना है और सिर्फ वो वर्किंग नोट में ऐड करना है, उसका टोटल लिखना है, ठीक है। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर वही देखना है कि प्रोफॉर्मा में कंटेंट क्या दिया है और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट। तो प्रोफॉर्मा है जो है अकाउंट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। नेक्स्ट वर्किंग नोट इज लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, 11% डिबेंचर्स, बैंक लोन्स, दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स हमें मिल जाएंगे। उसके बाद है टैंजिबल एसेट्स, जहाँ पे ग्रॉस ब्लॉक्स और नेट ब्लॉक। ग्रॉस इज नथिंग बट जहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं है, नेट इज विद डिडक्शन। तो कहीं कहीं जगह पे डिप्रिसिएशन हमें लगाना बहुत ज़रूरी है, डिडक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो सिर्फ एक ही जगह में हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं, प्लांट एंड मशीनरीज। एक्चुअली क्वेश्चन में सिर्फ उसी के लिए बोला है, टूल्स एंड इक्विपमेंट का कोई डिप्रिसिएशन नहीं बोला है, इसलिए शायद यहाँ पे सॉल्यूशन में नहीं लिया होगा।
ये हो गया आपका वर्किंग नोड नंबर 4। कैश एंड बैंक बैलेंस, अगेन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो भी कैश से रिलेटेड है वो कैश इन हैंड निल है, अदर बैंक बैलेंसेस राइट, कैश इन हैंड इज 8,000 एंड अदर बैंक बैलेंस इज निल, सो टोटल कम्स टू 53,000 एक्चुअली राइट। देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, तो लोन सिर्फ एक ही को दिया है डायरेक्टर्स को, 80,000। अदर इनकम्स, रेंट रिसीव्ड, ट्रांसफर फीस, दोनों को जब टोटल करेंगे तो अदर इनकम हमें मिल जाएगा राइट। सो देखिए, आपको सिर्फ वर्किंग नोट पे ध्यान देना है। वर्किंग नोट जैसे ही आपका ख़त्म हो जाता है, आप अपने मेन फॉर्मेट में जाके उसे वो टोटल अमाउंट जो है लिख देना है बस। पहले हम क्या करते थे, हम ऐड करते थे पर्टिकुलर्स में ही, ठीक है, उसी फॉर्मेट में, ड्राफ्ट में या फिर प्रोफॉर्मा में हम लिख देते थे कि अदर इनकम डैश रेंट रिसीव्ड प्लस ट्रांसफर फीस। लेकिन अब यहाँ पे सिस्टम चेंज हो गया है, यहाँ पे हम उसे वर्किंग नोट के तौर पे बताएंगे, बिकॉज यही पॉलिसी है शेड्यूल 6 का राइट। देन अगला वर्किंग नोट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, सिर्फ एक ही है परचेजेस का। देन चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पे भी दो ही एंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, देन फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, डिबेंचर्स इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स है, डिबेंचर्स पे कुछ इंटरेस्ट है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस है हमारे पास, कंज्यूमेबल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, डिस्काउंट्स, रेंटल्स, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, डीलर्स, एड्स, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन फ्राइट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें अदर एक्सपेंसेस में लिखने हैं। तो बस आपके पास ये वर्किंग नोट आ गया, 1, 2, 3, आपको डायरेक्टली अमाउंट लिखना है। वर्किंग नोट अगर आपके अच्छे रहे तो आपका फाइनल सॉल्यूशन बैलेंस होगा, टैली होगा और 100% मार्क्स आपको मिलेंगे। वर्किंग नोट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स में भी फिक्स्ड एसेट्स वर्किंग नंबर 4 टेंजिबल दिया है हमने, ठीक है, 5 भी किया है कैश एंड बैंक बैलेंस का, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी देखे, एक ही शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस हमने डायरेक्टर को एक दिया था। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, शेड्यूल 7 यानी वर्किंग नोट 7, 8, 9, 10, 11, 12 राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें वर्किंग नोट में करनी है। तो ये था आपके लिए एक इलस्ट्रेशन विद सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन कि क्या करना है, क्या किया है और क्यों किया है, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूँगा। अब अगली बार मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दूंगा और उसका सॉल्यूशन आपको मुझे भेजना है, ठीक है। जब तक आप सॉल्यूशन नहीं भेजेंगे तब तक क्वेश्चंस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।